नमस्कार, शिवानी की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूजी का एक ऐसा नाश्ता जिसमें हम बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, जो बड़ों को तो पसंद आता ही है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। सूजी का नाश्ता बनाने के लिए हमने 2 कटोरी सूजी ली है, 1 कटोरी दही ली है। जितनी हम सूजी यूज़ करते हैं उसका आधा दही यूज़ करते हैं, तो हमने 2 कटोरी सूजी ली है तो 1 कटोरी हम दही यूज़ कर रहे हैं। हमने 1 गाजर ली है जिसे बारीक काट लिया है, 1 शिमला मिर्च को भी बारीक काट के ले लिया है, थोड़ा सा पत्ता गोभी, थोड़ा सा चुकंदर, बीटरूट, 1 टमाटर बारीक काट के ले लिया है, 1 प्याज जिसे बारीक काट लिया है, 1 मैंने हरी मिर्च ली है बड़ी वाली जिसका अचार बनाते हैं जो तीखी नहीं होती है, उसे भी बारीक काट के ले लिया है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 इंच अदरक ग्रेट करा हुआ, आधा चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, नमक, सरसों। तो अब सबसे पहले हम बैटर बनाएंगे, तो चलते हैं हम अपना बैटर तैयार करते हैं। हमने एक बड़ा बाउल ले लिया है, उसमें हम 2 कटोरी सूजी डाल देंगे। दही को भी हम इसी में ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर हमें पानी की ज़रूरत होगी तो हम इसमें पानी भी ऐड कर लेंगे। जितना हमने दही डाला है उतना ही हम इसमें पानी डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। तो 1 कटोरी हमने दही लिया था, 1 कटोरी हम इसमें पानी मिला देते हैं। अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में हम थोड़ा सा पानी और डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। सूजी और दही मिक्स हो गए हैं, अब इसे हम 20 मिनट के लिए ढक के रेस्ट करने रख देते हैं। मैंने बारीक वाली सूजी यूज़ करी है तो मैं इसे 20 मिनट के लिए रखूँगी। अगर आप मोटी वाली सूजी यूज़ करें तो 30 मिनट के लिए इसे छोड़ दें। तो अब 20 मिनट बाद हम देखेंगे। अब हम इसे ढक के छोड़ देते हैं। 20 मिनट हो गए हैं, हमारी सूजी फूल के तैयार हो गई है। अब इसमें हम पानी डाल के इसे एडजस्ट करेंगे। हमें बिल्कुल इडली जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी, तो हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे इसमें। हमारा बैटर तैयार है, हमने जितनी सूजी डाली थी इसमें इतना ही पानी यूज़ हुआ है, तो 2 कटोरी पानी यूज़ करा है हमने। अब इसमें हम सब्जियाँ यू ऐड करते हैं अब इसमें हम सब्जियाँ ऐड करते हैं, प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी, बीटरूट, हरी मिर्च, टमाटर, अदरक, अब इस सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारी सब्जियां बैटर में अच्छे से मिक्स हो गई हैं, अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, स्वाद अनुसार नमक।
हम सारे मसालों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम चलते हैं अपने पैन की तरफ इसे बनाने के लिए। हम पैन में डालेंगे 1 बड़े चम्मच के आसपास ऑयल। हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम सरसों डाल देंगे। सरसों अच्छे से तड़कने लगेगा, फिर हम इसमें थोड़ा सा करी पत्ता डाल देंगे। अब हम इसमें बैटर डाल के फैलाएंगे। हम बैटर को सेंटर में डालेंगे और हल्के हाथों से इसे फैला देंगे। छः मिनट हो गई हैं। अब इसे हम पलट के देखते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब हम ऐसे ही इसे दूसरी तरफ से भी ढक के 3 मिनट तक पकाएंगे। 3 मिनट हो गए हैं। अब इसे हम दूसरी तरफ से भी पलट के देख लेते हैं। ये दोनों तरफ से सिक के तैयार हो गया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। हम इसे आपको कट करके दिखाती हूँ। अब हम चलते हैं इसे सर्व करने। हमारा सूजी वेजिटेबल्स का नाश्ता तैयार है। इसे हम पैनकेक भी बोल सकते हैं। वेजिटेबल पैनकेक, वेजिटेबल सूजी पैनकेक। ये रेसिपी शायद आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो हमें कमेंट्स करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।